यह घर मेरा भी है कहानी। मैं और मेरे पति समीर 8 वर्षीय बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। अचानक बेटी के हाथ के दबाव से चम्मच उसकी प्लेट से छिटक कर उसके कपड़ों पर गिर गया और सब्जी छलक कर फैल गई। यह देखते ही समीर ने आंखें तरेरते हुए उसे डांटते हुए कहा, चीनू तुम्हें कब अक्ल आएगी? कितनी बार समझाया है कि प्लेट को संभाल कर पकड़ा करो, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आता। आखिर अपनी माँ के गवारपन के गुण तो तुम में आएंगे ही ना। यह सुनते ही मैं तमतमा कर बोली, अभी बच्ची है, यदि प्लेट से सब्जी गिर भी गई तो कौन सी आफत आ गई है? तुमसे क्या कभी कोई गलती नहीं होती? और इसमें गवारपन वाली कौन सी बात है? बस तुम्हें नीचे दिखाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। सुमन, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसे टेबल मैनर्स आने चाहिए। मैं नहीं चाहता इसमें तुम्हारे गुण आए। मैं जो चाहूँगा इसे सीखना पड़ेगा। मैंने रोष में आकर उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, यह तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं है कि उसे जिस तरह चाहो नचा लो। फिर कभी तुमने सोचा है कि इतनी सख्ती करने का इस नन्ही सी जान पर क्या असर होगा? वह तुमसे दूर भागने लगेगी। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, कहते हुए समीर चम्मच प्लेट में पटक कर बड़बड़ाता हुआ रेस्टोरेंट के बाहर निकल गया और गाड़ी स्टार्ट कर घर लौट गया। मेरी नज़र चीनू पर पड़ी। वह चम्मच को हाथ में पकड़े हमारी बातें मूक दर्शन बनी सुन रही थी। उसका चेहरा बुझ गया था। उसके हाव भाव से लग रहा था जैसे वह बहुत आहत है। उससे ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से हमारा झगड़ा हुआ। मैंने उसका फ्रॉक नॉप नैपकिन से साफ किया और फिर पुचकारते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती तो किसी से भी हो सकती है। तुम अपना खाना खाओ। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है, मैंने खा लिया, कहते हुए वह उठ गई। मुझे पता था कि अब वह नहीं खाएगी। सुबह वह कितनी खुश थी जब उसे पता चला था कि आज हम बाहर डिनर पर जाएंगे। यह सोचकर मेरा मन रुआसा हो गया कि मैं समीर की बात पर प्रतिक्रिया नहीं देती तो बात इतनी नहीं बढ़ती। मगर मैं भी क्या करती, आखिर कब तक बर्दाश्त करती? मुझे नीचा दिखाने के लिए बात बात में चीनू को मेरा उदाहरण देकर कि अपनी माँ जैसी मत बन जाना उसे डांटता रहता है। मेरी चिढ़ को उस पर निकालने की उसकी आदत बनती जा रही थी। हम दोनों कैब लेकर घर आए तो देखा समीर दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में था। हम भी आकर सो गए, लेकिन मेरा मन इतना अशांत था कि उसके कारण मेरी आंखों में नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने बगल में लेटी चीनू को भरपूर दृष्टि से देखा। कितनी मासूम लग रही थी वह। आखिर उसकी क्या गलती थी कि वह हम दोनों के झगड़े में पिसे? विवाह होते ही समीर का पैसाचिक व्यवहार मुझे खलने लगा था। मुझे हैरानी होती थी यह देखकर कि विवाह के पहले प्रेमी समीर के व्यवहार में पति बनते ही कितना अंतर आ गया। वह मेरे हर काम में मीन मेक निकाल कर यह जताना कभी नहीं चूकता कि मैं छोटे शहर से पली हूँ। यहाँ तक कि वह किसी और की उपस्थिति का भी ध्यान नहीं रखता था। इससे पहले कि मैं समीर को अच्छी तरह समझूँ, चीनू मेरे घर में आ गई। उसके बाद तो मेरा पूरा ध्यान ही आने वाले बच्चे की अगवानी की तैयारी में लग गया था। मैंने सोचा कि बच्चा होने के बाद शायद उसका व्यवहार बदल जाएगा। मैं उसके पालन पोषण में इतनी व्यस्त हो गई कि अपने मान अपमान पर ध्यान देने का मुझे वक्त ही नहीं मिला। वैसे चीनू की भौतिक सुख सुविधा में वह कभी कोई कमी नहीं छोड़ता था। वक्त मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता गया और चीनू 3 साल की हो गई। इन सालों में मेरे प्रति समीर के व्यवहार में रत्ती भर परिवर्तन नहीं आया। खुद तो चीनू के लिए सुविधाओं को उपलब्ध करा कर ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझता था, लेकिन उसके पालन पोषण में मेरी कमी निकाल कर वह मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। धीरे धीरे वह इसके लिए चीनू को अपना हथियार बनाने लगा और वह भी मेरी आदतें सीख रही है, जो कि मेरे लिए असहनीय होने लगा था। इस प्रकार का वादा विवाद रोज का ही हिस्सा बन गया था और बढ़ता ही जा रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि वह हमारे झगड़े के दलदल में चीनू को भी घसीटे।
चीनू तो सहमी हुई मूक दर्शक बनी रहती थी और आज तो हद हो गई थी। वास्तविकता तो यह है कि समीर को इस बात का बड़ा घमंड है कि वह इतना कमाता है और उसने सारी सुख सुविधाएं हमें दे रखी हैं और वह पैसे से सारे रिश्ते खरीद सकता है। मैं सोच में पड़ गई कि स्त्री को हर अवस्था में पुरुष का सुरक्षा कवच चाहिए होता है, फिर चाहे वह सुरक्षा कवच स्त्री के लिए सोने के पिंजरे में कैद होने के समान ही क्यों ना हो। इस कैद में रहकर स्त्री बाहरी दुनिया से तो सुरक्षित हो जाती है, लेकिन इसके अंदर की यातनाएं भी कम नहीं होती। पिछली पीढ़ी में स्त्रियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती थीं, इसलिए असहाय होने के कारण पति द्वारा दी गई यातना को मनमार कर स्वीकार लेती थीं। उन्हें बचपन से ही कुट्टी पिला दी जाती थी कि उनके लिए विवाह करना आवश्यक है और पति के साथ रहकर ही वे सामाजिक मान्यता प्राप्त कर सकती हैं। इसके इतर उनका कोई वजूद ही नहीं है, मगर अब स्त्रियां आत्मनिर्भर होने के साथ साथ अपने अधिकारों के लिए भी जागरूक हो गई हैं। फिर भी कितनी स्त्रियां हैं जो पुरुष के बिना रहने का निर्णय ले पा रही हैं। लेकिन मैं यह निर्णय लेकर समाज की सोच को झुठला कर रहूंगी। तलाक लेकर नहीं बल्कि साथ रहकर तलाक ही हर सुख दुखद वैवाहिक रिश्ते का अंत नहीं होता। आखिर यह मेरा भी घर है जिसे मैंने तन मन से संवारा है, इसे छोड़कर मैं क्यों जाऊं? लड़कियों का विवाह हो जाता है और तो उनका अपने मायके पर अधिकार नहीं रहता। विवाह के बाद पति से अलग रहने की सोचें तो वही उस घर को छोड़कर जाती हैं, फिर उनका अपना घर कौन सा है जिस पर वे अपना पूरा हक जता सकें? अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है। मैंने मन ही मन एक निर्णय लिया और बेफिक्र होकर सो गई। सुबह उठी तो मन बड़ा भारी हो रहा था। समीर अभी भी सामान्य नहीं था, वह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो मैंने टेबल पर नाश्ता लगाया, लेकिन मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूँगा बड़बड़ाते हुए निकल गया। मैंने भी उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चीनू आकर मुझसे लिपट गई, बोली, मम्मा पापा को इतना गुस्सा क्यों आता है? मुझसे थोड़ी सब्जी ही तो गिरी थी, आपको याद है ना, उनसे भी चाय का कप लुढ़क गया था और आपने उनसे कहा था कि कोई बात नहीं ऐसा हो जाता है, फिर तुरंत कपड़ा लाकर आपने सफाई की थी। मेरी गलती पर पापा ऐसा क्यों नहीं कहते? मुझे पापा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जब वे ऑफिस चले जाते हैं तब घर में कितना अच्छा लगता है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू परेशान मत हो, मैं हूँ ना, कहकर मैंने उसे अपनी छाती से लगा लिया और सोचने लगी कि इतनी प्यारी बच्ची पर कोई कैसे गुस्सा कर सकता है। यह समीर के व्यवहार का कितना अवलोकन करती है और इसके बाल सुलभ मन पर उसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। समीर और मुझ में बोलचाल बंद रही। कभी कभी वह औपचारिकतावश चीनू से पूछता कहीं जाने के लिए, तो वह यह देखकर कि वह मुझसे बात नहीं करता है उसे साफ मना कर देती थी। वह सोचता था कि कोई प्रलोभन देकर वह चीनू को अपने पक्ष में कर लेगा, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। समीर की बेरुखी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, मनमानी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। जब तब घर का खाना छोड़कर वह खाने चला जाता था। मैं भी उसके व्यवहार को अनदेखा करके चीनू के साथ खुश रहती। यह स्थिति 15 दिन रही। एक दिन मैं चीनू के साथ कहीं से लौटी तो देखा समीर ऑफिस से अप्रत्याशित जल्दी लौटकर घर में बैठा था। मुझे देखते ही गुस्से में बोला, क्या बात है, आजकल कहाँ जाती हो, बताने की भी ज़रूरत नहीं समझी जाती? उसकी बात बीच में काट कर मैं बोली, तुम बताते हो कि तुम कहाँ जाते हो? मेरी बात और है, क्यों, तुम्हें गुलछर्रे उड़ाने की इजाज़त है? क्योंकि तुम पुरुष हो, मुझे नहीं, क्योंकि, लेकिन तुम्हें तकलीफ़ क्या है, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? हर सुख घर में मौजूद है, पैसे की कोई कमी नहीं, जो चाहे कर सकती हो। गुलछर्रे उड़ाने वाली बात सुनकर वह थोड़ा संयत होकर मेरी बात को बीच में ही रोक कर बोला, क्योंकि उसके और उसकी कुलीग सुमन के विवाहेतर संबंध से मैं अनभिज्ञ नहीं थी। नोच खसोट कर अपनी मर्दानगी दिखाता है, स्त्री भी हाड़ मांस की बनी होती है, उसके पास भी दिल होता है, उसका भी स्वाभिमान होता है। वह अपने पति से आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ मानसिक और सामाजिक सुरक्षा की भी अपेक्षा करती है।
तुम्हारे घर वाले तुम्हारे सामने मुझे कितना भी नीचा दिखा लें, लेकिन तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तुम मूक दर्शन बने खड़े देखते रहते हो, स्वयं हर समय मुझे नीचा दिखाकर मेरे मन को कितना आहत करते हो, यह कभी सोचा है? ठीक है, यदि तुम यहाँ खुश नहीं हो तो अपने मायके जाकर रहो, लेकिन चीनू तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। वह मेरी बेटी है, उसकी परवरिश में मैं कोई कमी नहीं रहने देना चाहता। मैं उसका लालन पालन पोषण अपने तरीके से करूँगा। मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे स्तर की बने। समीर के पास जवाब देने को कुछ नहीं बचा था, इसलिए अधिकतर पुरुषों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला अंतिम बार करते हुए चिल्ला कर बोला, चिल्लाओ मत, सिर्फ पैदा करने से ही तुम चीनू के बाप बनने के अधिकारी नहीं हो सकते। वह तुम्हारे व्यवहार से आहत होती है। आजकल के बच्चे हमारे ज़माने के बच्चे नहीं हैं कि उन पर अपने विचारों को थोपा जाए। हम उनको उस तरह नहीं पाल सकते जैसे हमें पाला गया है। इनके पैदा होने तक समय बहुत बदल गया है और मैं उसे तुम्हारे शासनात्मक तरीके की परवरिश के दलदल में नहीं धंसने दूंगी। मैं उसके लिए वह सब करूंगी जिससे कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके। और मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारी संपत्ति नहीं। यह घर मेरा भी है, जाना है तो तुम जाओ, मैं क्यों जाऊं? इस घर पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही मेरा भी है। समाज के सामने मुझसे विवाह किया है, तुम्हारी रखेल नहीं हूँ। जमाना बदल गया है, लेकिन तुम पुरुषों की स्त्रियों के प्रति सोच नहीं बदली। सारी वर्जनाएं, सारे कर्तव्य स्त्रियों के लिए ही क्यों? उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं का तुम पुरुषों की नज़रों में कोई मूल नहीं है। उनके वजूद का किसी को एहसास तक भी नहीं। लेकिन स्त्रियां भी क्यों उर्मिला की तरह अपने पति के निर्णय को ही अपनी नियत समझकर स्वीकार कर लेती हैं? क्यों अपने सपनों का गला घोंटकर पुरुषों के दिखाए मार्ग पर आंख मूंद कर चल देती हैं? क्यों अपने जीवन के निर्णय स्वयं नहीं ले पाती? क्यों औरों के सुख के लिए अपना बलिदान करती हैं? अभी तक मैंने भी यही किया, लेकिन अब नहीं करूँगी। मैं इसी घर में स्वतंत्र होकर अपनी इच्छानुसार रहूँगी। समीर पहली बार मुझे भाषणात्मक तरीके से बोलते हुए देखकर अवाक रह गया। पापा, मैं आपके पास नहीं रहूंगी। आप मुझे प्यार नहीं करते, हमेशा डांटते रहते हैं। मैं मम्मा के साथ रहूंगी और मैं उनकी तरह ही बनना चाहती हूं। आई हेट यू पापा। पर्दे के पीछे खड़ी चीनू, जो कि हमारी सारी बातें सुन रही थी, बाहर निकलकर रोष और खुशी के मिश्रित आंसू बहने लगे। मैंने देखा कि समीर पहली बार चेहरे पर हारे हुए खिलाड़ी के से भाव लिए मूक दर्शक बना रह गया। तो मित्रों, आपको यह पारिवारिक नोकझोंक वाली कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।